श्रीशांत, मैं देख रहा था कि आप बार बार ऐसे ऐसे आप ऐसा क्यों कर रहे थे? वही सोच रहा था कि इफ अगर ऐसे अल्ताफ भाई को बोल रहे तो आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? यार हमारे क्यूट करण भाई के लिए भी जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया यार भाई। अगर तू सच्ची में आज नहीं होता ना सर, आज ये एक्ट का तो मजा आ जाता। मैं बता बड़े खराब, मेरे बता, तू बाल कटवाता है, दाढ़ी कटवाता है, तू गर्दन कटवा ले, मजा आ जाएगा। करण भाई के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारी लेजेंडरी उषा उत्तुप जी हो और गाना ना हो, ऐसा हो सकता है? इसीलिए एक गाना हो जाए अल्ताफ जी का। अल्ताफ जी सुनेंगे। और एक और चीज सुनो, अल्ताफ जी हो और परदेसी गाना ना हो। सर मैं दिल से एक बात बोलता हूं, परदेसी गाना मेरा सबसे फेवरेट गाना आज तक का, कितने भी गाने आ गए हो मैंने हजार बार सुना है, दिल से बोल रहा हूं। Thanks for the compliment. और आज भी मैं परदेसी गुनगुनाता हूं। सर मेरा राजा हिंदुस्तानी मेरा फेवरेट गाना है सर। अच्छा बहुत बदतमीज है। आपने भी सर एक परदेसी गाना गाया था, वो कौन सा था? सर आप इधर आ जाइए और बता दीजिए कौन सा गाया था इसको। मजाक से हटके परदेसी वही गाना सुपर हिट है अल्ताफ जी का, अल्ताफ जी के लिए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, सारी पुराने यादें ताजा होगी हमारी, है ना? एक काम करें भारती, रफ्तार को थोड़ा आराम देते हैं और श्रीशांत को काउच पर बिठाते हैं। आइए श्रीशांत जी। ईशांत, जब आप ओवर डालने जाते हैं तो कैसे स्ट्रेचिंग वेचिंग करते हैं, वो पूरा रेडी होते हैं, तैयारी करते हैं, वो कर लो अभी आप, थोड़ा वार्म अप कर लो। मैं रफ्तार के साथ कर रहा था थोड़ा, क्योंकि बैट और बॉल लेके अब जो आने वाला है। कौन है? अब आ रहा है हमारा छोटा सा मुबीन। अब छोटा हो गया भारती। हाँ, मूवीन एज बच्चा एंड अनीता एज टीचर। अबे इसे क्या देख रहे होगे? उनकी आइटम ने अपने को धोखा नहीं दिया है, अपने मोबाइल की रिंगटो ने, क्योंकि अपन अल्ताफ अंकल का बहुत बड़ा फैन है, बड़े होके अपने को इनके जैसा बनना है। किसका मिस कॉल है? ये देखो बच्चन साहब का मिस कॉल है। इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी मिस कॉल ही देते हैं। बच्चू क्या ड्राइवर भाग गया? नया ड्राइवर चाहिए? एक सेकंड, मैं जुगाड़ कर दूंगा। अल्ताफ अंकल आप फ्री हैं? ओ मेरे को कोई ड्राइवर का नंबर दो ना, वो बच्चन साहब को ड्राइवर की जरूरत है। देता हूँ बाद में। ठीक है मैं बाद में ले लूंगा आपसे। वैसे आप नागपुर से हैं ना? जी तो संतरे कैसे दिए? और कौन कौन आया है? अरे क्या बात है, उषा अंकल जी भी आए हैं। सॉरी मैंने आपको अंकल जी बोल दिया, सॉरी। उषा चाचा जी आए हैं। नहीं सॉरी, वो मतलब मैंने ना आपकी आवाज की वजह से ऐसा बोला। आप शक्ल से तो आप ताऊजी लगते हैं। और कौन आया है? ओ माय गॉड, क्रिकेट की महान हस्ती, क्रिकेट में भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने वाले श्री संजीवी आए हैं। सच्ची बताऊं, मेरे को ना श्रीशांत अंकल की ना नाक बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने इनकी नाक पे एक शायरी भी बनाई है। तवज्जो चाहूंगा। रात दिन महकता रहा, पता नहीं उसने क्या लगाया था, और सरकार को टनल बनाने का आइडिया इन्हीं की नाक देखकर आया था। सॉरी मैं बच्चा हूँ ना, बच्चे लोग तो ऐसे चढ़ाते हैं ना। लेकिन और कौन आया है? क्या बात है, रफ्तार जी भी आए हैं। ओए होए होए, भाई रफ्तार जी पहली बार कॉमेडी नाइट बचाओ में आए हैं, ये पहली बार आए और मैं इन्हें इग्नोर ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। ये
मैं सच्ची बताऊं, मैं इधर काय को आया हूं, वो जो मेरी टीचर है ना, अल्ताफ अंकल के गाने सुन सुन के मेरे को उनसे प्यार हो गया है, मेरी टीचर से। तो बस मेरी जिंदगी का बस दो ही सपने हैं, एक तो बड़ा होकर अल्ताफ राजा बनना और दूसरा अपनी टीचर के साथ सेटिंग करना। श्रीशांत, I'm your big fan. I'm your big fan. ऐसा लोग मुझे बाहर कह रहे थे। ओह वाओ, टीचर ने आते ही कॉमेडी करनी शुरू कर दी। वाओ, इसी बात पे मैं अपने उस्ताद अल्ताफ राजा जी का एक शेर कहना चाहूंगा कि भरी महफिल से नींद में उठ के लोग जागेंगे। वाह 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 वाह। भरी महफिल से नींद में उठ के लोग जागेंगे, कोई सराहेंगे, कोई हवा में गोली दागेंगे। वा, 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 वा। आप कॉमेडी करने की कोशिश मत करना वरना लोग मरने की दुआ मांगेंगे। ये अल्ताफ राजा पूरा दिन अल्ताफ राजा के गाने, बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। ए, सामने क्या आ जाए, वो तो बैठे हैं सामने, देखो सामने बैठे हैं। वो बिंदी वाले? नहीं नहीं, वो तो उषा चाचा हैं। अच्छा तो वो जिनके मुंह पे दो नली वाली वो बंदूक लगी हुई है? ए, तो बंदूक नहीं है, उनकी नाक है पगली। अच्छा तो फिर कौन है अल्ताफ राजा? आप अल्ताफ राजा अंकल को नहीं जानती? नहीं जानती। इतना सुपर डुपर हिट एल्बम आया था उनका, तुम तो ठहरे परदेसी, मालूम है गिनीज बुक में नाम लिखा है उनका। हाँ, सबसे ज्यादा मोनो कैसेट बिकने का रिकॉर्ड है उनका। और तो और मालूम है, जब एल्बम आया ना सुपर डुपर हिट हुआ, फिर उन्होंने जोश जोश में दूसरा एल्बम बनाया, उसके बाद तो बैक टू बैक घर में बैठे थे। ज्यादा मत बोलो, अभी इनकी फिल्म का एक गाना आया था हंटर, क्या गाना है। अच्छा हंटर में एक गाना गाया था, मालूम है हंटर का गाना क्यों गाया था? क्यों? क्योंकि इनका मानना था हंटर ने इन्हें इतना कुछ दिया है, कहीं इधर निशान दिया है, कहीं इधर निशान दिया है, तो ये भी हंटर को कुछ दे। वॉस बंद करो अपनी और ABCD सुनाओ, बताओ। ए फॉर? ए फॉर अल्ताफ राजा। डी फॉर? डी फॉर बज गया बाजा। डी फॉर? और चला भी नहीं। डी फॉर? डी फॉर दिखे भी नहीं। ई फॉर? ई फॉर इतना बस है आज के लिए। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, तुम मुझे अभी ये बताओ कि केरला के बारे में मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है। केरला में देखो दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। दो तरह के लोग होते हैं वहाँ पे, एक पढ़े लिखे टैलेंटेड और दूसरे श्रीचंद अंकल जैसे। तुम्हें पता है ना वो कितनी फास्ट बॉलिंग करते हैं? हाँ पता है, लेकिन देखना और भी अच्छा खेलेंगे, क्योंकि मैं इनको आउट करने के दो आसान तरीके सिखाऊंगा। किसी को आउट करने के दो आसान तरीके, गेट आउट। और इससे भी ज्यादा कारगर तरीका, आई सेड गेट आउट। क्या बकवास कर रहा है ये बंदा? कहाँ बकवास कर रहा है, ये चुपचाप तो बैठा है रफ्तार। क्या बोल रहे हो, ये सब जानबूझ कर रहे हो ना? जानबूझ के? अच्छा जान से याद आया, टीचर एक बात बताओ ना, वो जो जान होती है जान, क्या वो धीरे धीरे जाती है? क्यों? नहीं, वो कल अपना डायरेक्टर है ना निकुल टकलू, वो पूजा को देख के बोला था जान धीरे धीरे जाना। अरे वो पूजा नहीं थी, मैं थी। अच्छा आप थी, फिर तो वो ये बोल रहा होगा, ये बुढ़िया धीरे धीरे जा नहीं तो जान निकल जाएगी। हे भगवान, ये कैसा लड़का है। यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्र है मैडम, तजुर्बा थोड़ा कम होता है। लेकिन मेरे को डांस करने का बहुत तजुर्बा है, आप मेरे साथ डांस करेंगी प्लीज? मैं बच्चे के साथ डांस नहीं करती। क्या आप प्रेग्नेंट है? क्या बात है, वो भी नाच कवाल कम बर्ड फ्लू की मुर्गी ज्यादा लग रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस मवाली की कवाली के बारे में? सुपर सुपर, काफी स्टडी किया है। थैंक यू सर, बहुत स्टडी करते हैं। ये सिर्फ स्टडी करती है, कॉमेडी कब करेंगी पता नहीं। खैर श्रीसंत क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। पीपल से ना जो ट्रोलिंग होता है FB या कोई अकाउंट में या सोशल साइट्स में, ये सीधा मुंह में बोल लेते हैं। ईशा जी, मैम बॉडी वन से एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आपका जो एक्ट जो था ना, आई रियली रियली लव्ड इट, सुपर। और हम रफ्तार को ना पूछें,
ऐसा तो होगा ही नहीं, पूछते चलो। थैंक यू मुबीना। नहीं मजाक से हटके, रफ्तार नहीं पूछना चलो। क्या करते हो कृष्णा? मेरा दोस्त है वो। अच्छा हाँ, रफ्तार मेरे दोस्त। हाँ जी। बैठा रहा। रफ्तार बताइए कैसा लगा इनका एक्ट? मैं क्या बोलूं, मैं तो अपनी मर्जी से देने आया हूं। रणिता जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट चलिए रफ्तार, बताइए हमारी टीचर कैसी लगी आपको? टीचर तो बहुत बढ़िया लगी। क्लासेस कहाँ है आपकी? मैं इनके हस्बैंड को फोन करती हूँ, वो एड्रेस बताएंगे। थैंक यू मुबीन और अनीता के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू।